तो यार आज की वीडियो में बात करेंगे लिंक्स के इवोल्यूशन के बारे में, जो कि शैडो फाइट का ही एक कैरेक्टर है। और यार ये मेरा सेकंड फेवरेट कैरेक्टर है कीबो के बाद में। कीबो मेरी फर्स्ट फेवरेट है और लिंक्स सेकंड फेवरेट है। तो यार इसके बारे में देखेंगे, इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, मतलब शैडो फाइट 1 में कैसा था, लिंक्स शैडो फाइट 2 में कैसा था, शैडो फाइट स्पेशल एडिशन में कैसा था, शैडो फाइट 3 में कैसा था, और अभी शैडो फाइट अरिना में कैसा है। तो यार हम सारे इसके इवोल्यूशन देखेंगे और देखेंगे यार इसमें मतलब क्या डिफरेंट इन्होंने किया है, क्या चेंजेस किए हैं, तो वो सब हम देखेंगे इसमें। यार वीडियो को एकदम एंड तक देखना है, काफ़ी मस्त वीडियो होने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है यार। वैसे मैं अभी वीडियो रेगुलर अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं यार, अभी फ़िलहाल कंडीशन थोड़ी ख़राब चल रही है, तो फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो पहले बात कर लेते हैं शैडो फाइट 1 के लिंक्स के बारे में। ये है शैडो फाइट 1 का लिंक्स, और ये इतना कुछ खास तो नहीं है, बाकी यार ये लिंक्स है शैडो फाइट 1 का। इसका कैरेक्टर डिज़ाइन कुछ ज़्यादा खास नहीं है, बट आगे गेम प्ले देखो थोड़ा सा। तो इसका गेम प्ले देखो, मतलब पहले का कुछ ऐसा था, इसमें जो लिंक्स है वो इतना अच्छा भी नहीं दिख रहा है। वैसे बता दूँ मैं यार, आपको भी देख सकते हो यहाँ पे, मतलब इसकी पावर भी थोड़ी कम है और स्पीड के मुकाबले यार ये बहुत स्लो है, ठीक है। स्पीड में यार ये लिंक्स बहुत ज़्यादा स्लो है। अगर इसी लिंक्स को अगर हम शैडो फाइट 2 में या शैडो फाइट 3 में रखते हैं, तो यार बंदे जो अब खेल रहे हैं शैडो फाइट 3 या 2, वो तो सब कचूमर निकाल देंगे यार। मतलब देखो आजकल के बंदों को ना गेम को एकदम स्पीड में खेलने की आदत हो चुकी है, और ये लिंक कभी आ गया तो भाई लोग 12 बजा देंगे इसके प्लेयर्स। मतलब इतना स्लो लिंक्स है यार, बहुत ज़्यादा स्लो है ये। और गाइस इसका जो कैरेक्टर डिज़ाइन है वो भी इतना कुछ खास नहीं है, मतलब देखो हो सकता है कि टेक्निकल इशू के कारण गेम का जो कैरेक्टर है वो डिज़ाइन ढंग से नहीं कर पाए हो क्रिएटर्स वगैरह, क्योंकि यार देखो बहुत ओल्ड गेम है ना ये, तो कुछ भी हो सकता है, रीज़न हमको नहीं पता है एग्जैक्ट रीज़न क्या है इसका। तो अब बात करते हैं शैडो फाइट 2 के लिंक्स के बारे में। ये है शैडो फाइट 2 का लिंक्स, और इस बार हम देखें तो यार लिंक्स में काफ़ी कुछ चेंजेस किए हैं। और बता दूं यार कि जो लिंक्स है वो डीमन किंग है, यहाँ पे आप देख सकते हो उसके शोल्डर के ऊपर डीमन का सिंबल बना हुआ है। और ये शैडो फाइट 2 में हमको फर्स्ट बॉस मिलता है जिससे हम फाइट करते हैं और उसको ख़त्म करते हैं। और यार मतलब इस बार हम देखें तो इसमें काफ़ी कुछ चेंजेस किए हुए हैं। वैसे अगर आप देखो तो यहाँ पे पूरा जो उसका पूरी बॉडी है वो आर्मर से ढकी हुई है, और उसके क्लॉस भी काफ़ी ख़तरनाक दिख रहे हैं, शाइनिंग मार रहे हैं, और ऊपर से जो उसका आर्मर है गाइस वो भी देखो शाइन मार रहा है। सिर्फ इसकी आई से वही क्लियर दिख रही है, बाकी पूरी बॉडी इसकी ढकी हुई है। और इसमें यार मतलब जो लुक है इसका लिंक्स का वो काफ़ी क्लासिकल है और काफ़ी ख़तरनाक एग्रेसिव टाइप लग रहा है। मतलब यार बहुत सही है, इस बार तो काफ़ी कुछ इसमें चेंजेस किए हैं लिंक्स में। तो यार बात करें लिंक्स की स्पीड के बारे में, तो यार लिंक्स इसमें काफ़ी मतलब अच्छी स्पीड है इसकी। शैडो फाइट 1 में इसकी इतनी स्पीड नहीं थी, लेकिन यार इस शैडो फाइट 2 में काफ़ी कुछ इन्होंने चेंजेस किए, तो यार स्पीड भी इसकी बढ़ा दी है। मतलब यार फाइटिंग काफ़ी स्पीड से करता है, जो कि यार अच्छी बात है, हमको यही तो चाहिए यार। मतलब ऐसा बॉस जो फाइट करे अच्छे से, तगड़ी फाइट करे। और लिंक्स का जो कैरेक्टर है वो इस बार काफ़ी सही करा इन्होंने यार, मतलब देखो एकदम एक्यूरेट बनाया हुआ है, मस्त इसका कैरेक्टर डिज़ाइन किया हुआ है इस बार। मतलब पहले यार शैडो फाइट 1 में इतना कुछ खास नहीं था, लेकिन अब देखो जरा एक्यूरेट लग रहा है, सही लग रहा है। लिंक्स को मारने के लिए पहले उनके बॉडीगार्ड्स को मारना पड़ेगा, क्योंकि लिंक्स के पहले बॉडीगार्ड्स आते हैं जिनसे हम फाइट करते हैं, और सारे बॉडीगार्ड्स हैं मतलब ख़तरनाक है, इनको हराओगे जब भी आप लिंक्स तक पहुँच पाओगे। तो ये जो लिंक्स है ये है शैडो फाइट 2 के स्पेशल एडिशन का, मतलब ये बस इसमें मतलब ज़्यादा कुछ खास नहीं है, सिमिलर है एकदम शैडो फाइट 2 में जो लिंक्स थे उससे, मतलब पूरा मिलता जुलता है, इसमें ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं किए हुए हैं। लेकिन यार इसमें अगर आप देखोगे तो जो लिंक्स है वो थोड़ा यंग दिख रहा है, और बाकी तो यार इसमें कुछ चेंजेस नहीं किए, इसलिए बताना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है शैडो फाइट 2 जैसा ये पूरा ये। तो अब बात करते हैं शैडो फाइट 3 के लिंक्स के बारे में। ये वो लिंक्स है जो हमें शैडो फाइट 3 के आई2'स प्लेन चैप्टर 2 के अंदर देखने को मिलता है। वैसे मैं आपको बता दूँ कि ये शैडो मतलब ये रियल लिंक्स नहीं है, उसकी कॉपी है, इसलिए यहाँ पे इसका नाम जो है वो इमेज ऑफ लिंक्स रखा हुआ है। क्योंकि देखो यार यहाँ पे आप देख सकते हो इसका जो कलर है वो पूरी तरह से उड़ा हुआ है, और यहाँ पे जो शैडो फाइट आईना में जो लिंक्स था उसका कलर मतलब ज़्यादा ब्राइट है, लेकिन इसमें देखो यार मतलब पूरा ब्लैक है, और जो मतलब उसकी पावर वगैरह थी बॉम वाली और इनविजिबल वाली वो सब इसके पास नहीं है, ये एकदम नॉर्मल है, उसकी कॉपी है, ठीक है, लिंक्स की कॉपी है, ये हमारा रियल लिंक्स नहीं है। लेकिन यार ये लिंक्स था इसलिए मैंने इसको भी वीडियो में इंक्लूड कर दिया है। तो यार अब बात करते हैं शैडो फाइट अरिना के लिंक्स के बारे में। मतलब यार मैं बहुत देर से वेट कर रहा था यार कि कब वीडियो का एंड आए, कब मैं इस लिंक्स के बारे में बताऊं। तो यार ये लिंक्स मेरा फेवरेट है यार, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो अगर आप शैडो फाइट 2 का लिंक्स अगर देखोगे
तो यार उसका जो कैरेक्टर डिज़ाइन है, उसका कैरेक्टर जो डिज़ाइन है, दोनों में आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखेगा। मतलब यार देखो, इसमें शेडो फाइट 2 में जो लिंक्स था यार, वो मतलब एग्रेसिव टाइप लग रहा था और थोड़ा ख़तरनाक क्लासिकल टाइप था। लेकिन अगर आप इस शेडो फाइट आइना के लिंक्स को देखोगे, यहाँ पे आपको यार दिखेगा ये मतलब फैंसी टाइप है। मतलब इसका जो आर्मर देखो यार, पूरा फैंसी है, मतलब फैशन में पूरा ये बना दिया इसको, तो यार मतलब सही लग रहा फिर भी ये। और अगर आप बात करें पावर्स की, तो यार शेडो फाइट 2 में जो लिंक्स की पावर थी, मतलब इनविजिबल वाली, वो इसके पास भी है। ये खुद को इनविजिबल कर सकता है बॉम्ब फेंक के। और गाइस, इस डीमन की पावर सब है इसमें अभी भी। और यार मतलब ये अगर बात करें इसकी एक्यूरेसी के बारे में, स्पीड के बारे में, तो यार ये लिंक्स की मतलब स्पीड काफ़ी ज़्यादा है। मतलब अच्छा स्पीड दी हुई है इस बार तो इसकी लिंक्स की, और खेलने में मज़ा आता है या फाइट करने में मज़ा आता है इस लिंक्स के साथ में। इसलिए मेरा फेवरेट कैरेक्टर है यार लिंक्स, और काफ़ी सही भी है ये। यहाँ पर देख सकते हो क्या, इसके जो पीछे जो आर्मर है, वहाँ पर आपको डीमन का सिम्बॉल दिख जाएगा। तो यार ये बात तो पक्की है कि यार ये लिंक्स काफ़ी सही है इसमें। और यार आप सबको भी इसका यूज़ करना चाहिए यार, लिंक्स काफ़ी सही कैरेक्टर है। वैसे मेरा फेवरेट है, बता दूँ मैं। इसके जो ग्लव्स है यार, वो एक्समैन से मिलते जुलते हैं या उसी की तरह है। मतलब हर वक्त फाइट कर रेडी सबको काटने के लिए। और इसकी जो एबिलिटी है, स्पेशल एबिलिटी गाइस, ये तो मतलब ख़तरनाक ही है। आप देख सकते हो यार, कतई जहर है। तो यार ये था लिंक्स का एवोल्यूशन। एक और लिंक्स यार ये देख लो, ये लिंक्स है शेडो फाइट 4 का। नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ। शेडो फाइट 4 यार आएगा भी कि नहीं आएगा मुझे नहीं पता, बट यार कभी आ जाए तो अच्छा। लेकिन यार ये फ़ोटो मेरे को ऐसे ही मिल गई थी गूगल पे, तो मैंने बता दिया आपको। तो यार उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी गाइस। तो हमारा जो इवोल्यूशन था वो यहीं पे ख़त्म होता है लिंक्स का अभी तो फिलहाल में। कभी आगे और आएगा कोई नया लिंक्स, तो यार उसकी वीडियो बना देंगे। तो यार अभी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, दोस्तों को शेयर करो ताकि पता चले उनको भी लिंक्स के इवोल्यूशन के बारे में। और अगर आपका फेवरेट कैरेक्टर है लिंक्स, तो यार कमेंट करके बताओ, और नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक को बनाओ वो बता दो। तो यार अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ यार, 1K होने वाले, कंजूसी मत करो, फटाफट सब्सक्राइब कर दो चैनल को।